कृषि पालन बाबत किसान यूनियन भारतीय किसान संदीप गिड्डे महासंघ बलकर ओ बस वाला नहीं बोलना चलिए सत्कारयोग सभी पत्रकार मित्रों आप सभी का यहाँ पहुँचने पे हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे इस पूरे के पूरे आंदोलन को पूरे जोर शोर से देशों विदेशों में ले जा रहे हो। मैं सबसे पहले आपसे परिचय करवाना चाहूँगा कि हमारे यूपी से ऋषिपाल अमालता जी, महाराष्ट्र से संदीप गिड्डे जी, पंजाब माइक आ गया, हेलो वेरी गुड अपने आप बोल देंगे ना अपने नाम प्यारे नहीं बोल दिया मैं तो लगता आए चंगा है बंद कर दे अरे छोड़ दे हो गया छोड़ दे आप जाटा यार आए चलेंगे सत्कारयोग पत्रकार मित्रों आप सबका आज की इस पीसी में पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं। हम सभी संगठनों की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में मेरा ख्याल है बहुत सारे साथी जानते होंगे जगजीत सिंह डल्लेवाला स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धू पर और मेरे साथ बैठे हैं ऋषिपाल अमावता जी उनके आगे संदीप गिड्डे जी महाराष्ट्र से हैं कर्म राड जी हमारे पंजाब से हैं इधर इंद्रजीत सिंह जी राज्य हरियाणा से और युद्धवीर जी को मेरा ख्याल है दिल्ली सारी जानती होगी। तो आज की जो हमारी पीसी है आज की जो बैठक हुई है दो बैठकें हुई हैं पहले पंजाब की हुई है उसके बाद ये पूरे देश लेवल की बैठक हुई है। बड़े दुख से हमें ये बात बतानी पड़ रही है आपको कि आज तक जितना हम दिल्ली आकर आंदोलन लड़ना शुरू किया है पीछे से बहुत कुछ हुआ यहाँ तक आते आते आज की इस डेट में पहुंचते पहुंचते हमारे लगभग 13-14 किसान रोज एक किसान की और एवरेज आ रही है शहीद हो रहा है। सबसे पहली बैठक में हमने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है आज की बैठक में पंजाब में और उसके बाद जो देश लेवल की ये बैठक हुई है इस बैठक में उन सभी को श्रद्धांजलि भेंट करने का श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो कार्यक्रम दिया है वो पूरे देश में गांव-गांव में हम 20 तारीख को हमारे सभी जो आज तक के किसान आंदोलन के शहीद हैं सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएंगी। पीछे का जो कार्यक्रम है आपने सभी देखा है वो हमने दिया था कि वो जयपुर का जो रोड आ रहा है हाईवे वो ब्लॉक करने का जो कार्यक्रम था हमारा प्रोग्राम वो आप सभी ने देख लिया वो हो चुका है। और दूसरी बड़ी बात पूरे देश के लगभग 350 जिलों में ये जो हमारा धरना प्रदर्शन करने का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करने का जो प्रयास था हमारा जो कार्यक्रम प्रोग्राम दिया था वो सफल हुआ है अच्छी तरह बहुत बढ़िया हुआ है। तो हमारी ओर से इतनी सी बात ही है। अब हमारी आगे की बात हमारे भाई ऋषिपाल अमावता जी आप प्रेस को संबोधन करेंगे। सभी साथियों को
प्रेस वाले भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज ये आंदोलन जो हमारा चल रहा है, पूरा देश के किसान, आप देख ही रहे हैं, अखेक इस देश में ऐसी सरकार चल रही है जो किसान विरोधी सरकार है, तानाशाही के दम पर इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश का किसान जाग चुका है। आज ये पंजाब हरियाणा का नहीं, पूरे देश का आंदोलन हो चुका है और लोग अब सड़कों पर आ गए हैं। और हमारी एक ही बात है, मैं बार बार, अभी सरकार जो कहती है कि भाई इसको वापिस नहीं लेंगे, मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले ये तीनों कानूनों को वापिस ले जब किसान बात करने के लिए तैयार होगा। इसकी बात घोषणा सरकार करे कि ये अध्यादेश वापिस ले। ये अध्यादेश जो लिए गए, इन्होंने जो बिल्कुल अध्यादेश जो आए बगैर पूछे किसान के इनको लाए थे, जैसे लाए हैं ऐसे ही इनको वापिस लेना चाहिए। मेरा बस इतना अपील है और मेरी एक ही चीज है, किसान भाइयों जो हमारे बीच में शहीद हुए हैं, उनके लिए 20 तारीख का जो हमने मौन उसका रखा है, पूरा देश का किसान उनको सम्मान करता है और देश में हकीकत में अग्रणी रहेंगे। जब भी कभी किसान के आंदोलन की बात होगी, उन लोगों ने आंदोलन के लिए अपना अपने सही में शहीद हुए हैं। और मैं अब ये कहूँगा कि हमारे बीच में भाई युद्धवीर जी हैं और हमारे बीच में महाराष्ट्र से भाई संदीप जी हैं, वो अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो ये बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि आज तक हमारे जो साथी है, लगभग आज की 4 और साथी शहीद हो गए, लगभग 20 का नंबर टोटल आज तक आया है। और ये सरकार जो है, ये कानून हम पहले से बता रहे थे कि दिस इज एन डेथ वारंट है किसानों के, तो पता नहीं इन्होंने कितने और किसानों के मौत का सौदा अदानी और अंबानी से किया है। जे जितने भी साथी हमारे आज तक शहीद हुए हैं, इसके लिए केवल और केवल ये मोदी सरकार जिम्मेदार है। और बहुत दुख के साथ हम कहते हैं कि अभी ये जो जंग है, ये इस कगार कर पहुंची है कि चाहे जो भी हो जाए, ये हम जंग जीत कर ही जाएंगे। पूरे देशवासियों को हम अनुरोध करते हैं कि जितने साथी अपने शहीद हुए हैं, आने वाले रविवार को, संडे को सुबह 11 से 1 बजे के बीच में सभी गांव में, देश का हर एक गांव में उनका सम्मान किया जाएगा, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और लगता है ये जो ये है बिल जो है, ये जल्द से जल्द सरकार को वापस लेना चाहिए। आज कुछ उन्होंने बात कही है, बेसिकली ये खुद भ्रमित हुए प्रधानमंत्री है, इनको पता होना चाहिए था कि ये जो जंग छिड़ी है, पूरे देश के किसानों ने छेड़ी है, ये अब तक इसको हमें ही मिसअंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं। लेकिन जैसा कि कल पूरे देश में सक्सेस हुआ, धरना आंदोलन हुआ, भारत बंद में पूरा देश ये हुआ, अब तक तो इनकी आंखें खुल जानी चाहिए थी। लेकिन चाहे नियति को पता होगा और कितने किसानों की शहादत का इन्होंने अदानी अंबानी के साथ सौदा किया, हमें नहीं पता, लेकिन हर एक शहादत का उनको जवाब देना पड़ेगा। इंद्रजीत जी, हाँ, एक मिनट, मैं इंद्रजीत सिंह, ऑल इंडिया किसान सभा। साथियों, जो श्रद्धांजलि समागम के बारे में जो घोषणा की गई है 20 तारीख के वास्ते, वो गांव-गांव में और ब्लॉक और तहसील हर स्तर के ऊपर श्रद्धांजलि देते हुए ये संकल्प लिया जाएगा कि इस जन आंदोलन को और ज्यादा मजबूत हम करेंगे। और जिस तरीके से इनकी पोल खुलती जा रही है, 341 जिलों में जिस तरीके से लाखों लोगों ने शिरकत की है कल जिला हेडक्वार्टर के ऊपर, और 150 टोल प्लाजा फ्री किए गए, भारी संख्या में लोग उनके ऊपर मौजूद थे, ये सफल एक्शन हुए हैं जिससे अब ये बौखला गए। जो कल तक ये कह रहे थे कि ये केवल पंजाब का आंदोलन है, इसके अंदर कोई भी शामिल नहीं था,
अब वो कह रहे हैं कि 10 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया, जन जागरण करेगी बीजेपी। तो जब है ही नहीं कहीं अगर जो कह रहे हैं, तो ये 10 सूत्री का जन जागरण कहाँ करेंगे? पहले भी जागरण कर रहे थे ये, और जहाँ जहाँ भी वो गए काले झंडों से उनका स्वागत हुआ, ये सबको पता है। अब इस बोखला हट में हमारे हरियाणा के अंदर भी वो एक नया स्टंट अब छेड़ दिया SYL का। अब वो 21 दिन में ही पानी मांगने लगे, अब तक उनको ध्यान नहीं था, क्योंकि हरियाणा पंजाब की एकता के जब नारे लगते हैं तो उससे सबसे बड़ी तकलीफ इनको ये है, क्योंकि इनकी फूट परस्ती की राजनीति है वो कामयाब नहीं हो रही। और अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि हमने तो अमेंडमेंट करना, संशोधन करना स्वीकार कर लिया, ये नहीं मांग रहे। अरे सिंपल सी बात है, हम तो किसान एक बात जानते हैं भाई, 10-10 ग्राम की 3 जहर की गोली है, वो कह रहे हैं 2-2 ग्राम जहर घटा देते हैं, 8-8 ग्राम की खा लो 3 गोली जहर की। तो मतलब शुगर कोटेड टेबलेट्स आर इक्वली लीथल, उससे कोई ऐसा नहीं है कि वो प्रभाव नहीं छोड़ेंगी अपना। तो इस किस्म की फालतू की बातें करना, उसका कोई अर्थ नहीं बनता। यूनिफाइड है लीडरशिप, मुकम्मल तौर पर यूनानिमस डिसीजन हो रहे, अभूतपूर्व है ये, हमारे हिंदुस्तान के ऐतिहासिक आंदोलन है, इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, उसकी एकता तोड़ने में ये कामयाब नहीं हुए। तो इस किस्म की ओछी और गिरी हुई बातें करना, किसी किसानों के आंदोलन के ऊपर वाहियात आरोप लगा देना, ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने वाला। और अब सब समझ रहे हैं कि कारपोरेट सेक्टर में और इस मोदी सरकार के बीच में किस प्रकार का कनेक्शन है। जो हरियाणा के अंदर नौलथा में जो 100 एकड़ जमीन जो खरीदी गई, उसका CLU तो पहले ही पारित हो गया हरियाणा सरकार से मई महीने में, और ये जो एक्ट से ये पारित किए गए हैं 9वें महीने में, सितंबर में तो पहले ही CLU हो गया। इसका मतलब बहुत बड़े बड़े जो गोडाउन और वेयर हाउस और साइलोज जो है उनकी योजना बन चुकी थी, और उसको एक्सपोज करने वाले पत्रकार के ऊपर मर्डरस अटैक हुआ, जो दाखिल है आज भी करनाल के अंदर। इस किस्म की हरकतें हैं जिनसे सरकार बाज आए, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर जन आंदोलन के साथ नेगोशिएट करके, और जो भी उन्होंने गलत काम किया जिसको वो भी मानते हैं, जब अमेंडमेंट के लिए मान गए तो उनको वापस लें। और इसी के साथ मैं युद्धवीर जी से अनुरोध करूंगा वो कुछ शब्द कहें। सबसे पहले मैं हमारे उन शहीद किसानों को सलाम करता हूं जिन्होंने इस किसान कौम के लिए अपनी शहादत दी। ये किसान, देश का किसान उनके शहादत को बेकार नहीं जाने देगा, और उनके उस आदर्श और उनके उद्देश्य को पूरा करा के दम लेगा। आज सरकार ने जिस प्रकार का रवैया अख्तियार किया, 20 दिन से किसान यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं इस कड़कती ठंड में। प्रधानमंत्री परसों एक तरफ तो किसानों को कह रहे हैं कि हमारी सिंपैथी है, ये कानून जो है किसान के हित में, और दूसरी तरफ फिक्की की मीटिंग में उन्होंने संबोधन किया और आह्वान किया उन्होंने व्यापारियों को कि कृषि क्षेत्र के दरवाजे मैंने आपके लिए खोल दिए, जाइए निवेश करिए, लूटिए और खाइए मौज करिए। मतलब उसका समझ में नहीं आता, उसका आशय उस भाषण का यही था, वो उनको आह्वान कर रहे हैं। एक तरफ तो वो उनको हमारे हित में बता रहे हैं, दूसरे तरफ वो फिक्की की सभा को संबोधित करते हुए उनको आह्वान कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र खुल गया है और जाके जो करना हो वो कर लीजिए। ये नीति है सरकार की, एक लुटपा पोती कर रहे हैं आज, जिस तरह का विद्वेष फैला रहे हैं। हमने कहा पिछले 6 साल के शासन में आप स्टेट के देख लें हिसाब किताब, इन्होंने जातियों को आमने सामने करके जातियों में जो है आपस में दरार डाली है, आज ये वही दरार इस किसान में भी डालना चाहते हैं। हमारे इनके विधायक और इनके MP कुछ लोगों को वैसे ही पकड़ के लाते हैं जिनके एजेंडा नहीं होता, जो ना मूवमेंट के लोग हैं ना जो किसान है, सही मान अधिकांश तो किसान नहीं है उनमें से, उनको लाके और देश में एक ऐसा वातावरण बनाना चाह रहे हैं कि देश का तमाम किसान खुश है, ये कुछ किसान बैठे हैं। हम भी किसान की जिद को ये जानते नहीं है, उनकी राज हट होगी लेकिन हमारी भी किसान हट है, और किसान हट के सामने
धरना भगत ने भगवान को प्रकट करा दिया था, ये मोदी जी तो है क्या चीज है। किसान जो है वो अब अपनी जिद पे है, और ये गलत फहमी सरकार निकाल दे कि कुछ दिन के बाद ये घटेंगे, ये जितने दिन रहेंगे उतने दिन बढ़ेंगे। देश का तमाम देश का किसान आज ये मन बना चुका है कि दिल्ली में जो यज्ञ चल रहा है किसानों का, उस यज्ञ में अपनी आहुति देनी है। पूरे देश में योजनाएं बन रही हैं और आने वाले समय में इस दिल्ली को चारों तरफ से किसान घेर लेगा, और सरकार की जो मंशा हो लेकिन किसान लौटेगा नहीं इन कानूनों को वापस किए बिना, जब तक ये वापस नहीं हो जाते। ये निर्णय है, जीवन मरण का प्रश्न है, और बलिदान देने के लिए हम तैयार होके यहाँ इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी, एक सवाल है, जिस तरह केंद्र सरकार और जत्थेबंदियों सिलसिला गलबात बिल्कुल बंद है, चिंता का विषय नहीं है कितने? देखिए, बातें बातें जब होती हैं, जब बातें बातों का किसी का मन हो बात करने का। आज तक प्रधानमंत्री ने 20 दिन में एक शब्द नहीं कहा है कि अन्नदाता कहते हैं हमको, उसको नहीं पता कि किन हालात में अन्नदाता या सड़क पे बैठा। प्रधानमंत्री कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है, वो हमारे बीच में से गया, हमारी वोट से बना, उसका चुनाव हमने किया, वो जिस ताकत पे बोल रहा है वो ताकत हमने उनको दी है, और उनको इतनी मतलब इतनी उनको लाज नहीं है कि किसान के लिए वो दो शब्द कहे कि वो लोग आए हैं। मैं आज से पहले भी जत्थेबंदियां किसानों की यहाँ आई हैं, और जो भी प्रधानमंत्री से मिलना चाहे, राष्ट्रपति से मिलना चाहे, किसान ने अपनी बात रखनी चाहिए, तो कभी किसी ने इनकार नहीं किया। ऐसे भी मौके आए हैं कि जत्थेबंदी घर से चली नहीं और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि क्यों किसान को परेशान करते हो, दिल्ली आने में टाइम और समय लगेगा, किसान को बहुत काम होता है, आप पहले ही आ जाओ और हम आपकी बात पहले ही सुन लेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में हुए, और ये प्रधानमंत्री है 6 साल में आज तक ये किसी किसान प्रतिनिधि मंडल से मिला नहीं है। दो दफे नाटक किया जिसमें इनकी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोगों को इकट्ठा करके पूसा में मीटिंग दिखाई गई कि प्रधानमंत्री ने किसानों से बातचीत की, कोई किसान संगठन बुलाया नहीं, पहला प्रधानमंत्री है। दुनिया भर के मन की बात कर रहे हैं, रेडियो पे मन की बात कर रहे हैं, हमारी जत्थेबंदी का धरना जंतर मंतर पे चल रहा था, हमसे बात करने के लिए कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है किसानों से बात करने के लिए, रेडियो पे मन की बात करके हमको समझाते हैं। मतलब ये इनका एटीट्यूड है, रवैया है किसान के प्रति, तो ये बिल्कुल नकारात्मक प्रधानमंत्री है। किसान इसको पूरी तरह से समझ गया कि हमसे गलत चुनाव हो गया। गलबात सिर्फ ते सिर्फ इस गलती हो कि पहला वह कानून रद्द कर फिर ही होगा दिया। देखो गल ये है, सवाल कला कला करके एक एक करके पूछ लीजिए। पहली बात ये है, जो आपका सवाल है कि हमने उनकी प्रपोजल जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की प्रपोजल दी थी वो इसी पे ही रद्द की थी कि हम अमेंडमेंट नहीं चाहते। सरकार ने हमारे से बातचीत करनी है तो इससे हटकर प्रपोजल को छोड़े इसको रद्द करने की बात करे, तो हम किसान ये समझते हैं वर्ल्ड में बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है, जंग हो जाती है, हर बार नेगोशिएशन से मसला हल होता है, नेगोशिएशन से किसान कभी नहीं भागता, उनकी हर बैठक में जाने के लिए कि किसान तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि सरकार किसानों की बात किसानों की मांग मानने के लिए तैयार तो हो, सबसे बड़ी बात यह है। आप लोग एक सवाल मैं पूछूं इसके साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि किसानों से हमारे तरफ कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं आया, हम तैयार हैं क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करने के लिए, रोल बैक नहीं करेंगे। हाँ। तो बोले हाँ। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ। देखो देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके माध्यम से पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि किसानों ने उनकी प्रपोजल रद्द कर दी है, तो क्या सरकार को पता नहीं चला? सबसे पहली बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, जो वो कह रहे हैं कि किसान अपनी प्रपोजल भेजें, तो प्रपोजल तो हमने जब पहले दिन डिमांड चार्ट दिया है वो प्रपोजल नहीं और क्या है किसानों की, वो दे चुके हैं। उस पर अभी वो जो हमारी मांगे हैं उस पर कंक्रीट फैसला ले सरकार, एकदम ठोक के फैसला ले सरकार कि हम उन कानूनों को वापस लेते हैं,
अगर सरकार इसमें बातचीत का क्या करने की कि मेरे मुझे लग रहा है कोई जरूरत नहीं है। चलो बहुत बड़ी बात है आपकी, भेज देंगे हम उनको, ये भी हम नहीं रखेंगे कि वो सरकार ये इस बात पे मतलब निकले कि हमें तो अभी तक उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया, वो आंसर लेकर भेज देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए हमें हमेशा जब आंदोलन होता है, आंदोलन इसके लिए होता है, कोई जरूरी नहीं होता कि हर आंदोलन का सरकार पे मतलब असर पड़े, लेकिन असर पड़ने के तरीके बहुत होते हैं। ये बेशर्म सरकार है, इस पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। कैसे पड़ेगा मैं वो बताता हूँ आपको। पूरे वर्ल्ड में जब किसान जिनके पास इतना सारा खाने के लिए सामान पड़ा हो, और यहाँ पे आप देखा होगा ड्राई फ्रूट्स के लंगर लगे हुए हैं, लेकिन किसान भूख पे बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, तो उसका मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाएगा, वर्ल्ड में गया भी है। उधर से सरकार को फिटकार पड़ेगी, तो उधर से ही हमारा मैसेज सरकार के पास जाएगा सीधा। तो ये दिखता तो इनको भी है, लेकिन इनके मन में किसान के प्रति कहीं भी संति नहीं है। एक मिनट बेटा, हाँ देखिए ये पहली बार हुआ है ना, कभी ऐसा भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि किसानों के आंदोलन का प्रेशर इतना है कि सरकार को ये लग रहा है कि अगर हम विंटर सेशन करेंगे तो जो यहाँ के विपक्ष दल हैं वो घेरेंगे उसमें, उससे बेटर है कि विंटर सेशन ही ना करें। इसका मतलब ये है कि सरकार अपने आप वो हार मान चुकी है इस आंदोलन के सामने। देखो सभी भाइयों को मैं ये बता दूं आपको, सरकार ये कह रही है कि हम इसे वापस नहीं लेंगे, हम ये कह रहे हैं कि हम इसे वापस करवाएंगे। सरकार की और मंशा है, हमारी और जिद है, जिद नहीं हमारी मजबूरी भी है, केवल सरकार तो जिद कह सकती है, मजबूरी है, क्योंकि अगर ये कानून वापस नहीं होते तब किसान की होंद मिटती है, किसान नहीं रहेगा देश में, अगर किसान नहीं रहेगा देश में तो देश का हर उपभोक्ता को खाने के लिए, मैं उस दिन भी पीसी में बोला था, 9000 से अधिक रेट पर गेहूं मिलेगी, ये हालात बनेंगे देश में। और इसके लिए सरकार पूरे देश को कारपोरेट्स के हाथों बेचना चाहती है, उनके हाथों से लूट करवाना चाहती है, तो वो इस जिद पे है। लेकिन किसान के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात और बता दूं आपको, सरकार कहती थी कोरोना है, कोरोना से हमारे ऑफिसर बीमार हो गए हैं, हो गए होंगे, लेकिन इधर वहां बॉर्डर से इस साइड पे आकर एक भी किसान को कोरोना नहीं हुआ आज तक। बॉर्डर के उस पर चले जाते हैं, ऑफिसर को कोरोना होता है लेकिन किसान को नहीं होता, जिसका नहीं, जो भी मौतें होती है, एक्सीडेंट में मौत होती है उसमें कोरोना कहां से आ गया, हार्ट अटैक में मौत होती है उसमें कोरोना कहां से आ गया, एक भी आदमी बीमार नहीं हुआ, ऊपर वाले की दया है। सभी के पोस्टमार्टम भी हुए, सभी के पोस्टमार्टम। धन्यवाद साहब, आराम से। ये आज क्योंकि बड़ा क्रिशियल सी 20 डेज हो गए, 20 दिन बैठन हो गए दोनों थे, ये सी सारे देश नु या लोकां नु मीडिया नु भी कि कुछ ने कोई ना कोई तुसी नवा प्रोग्राम देओगे, हुन नवा प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा है कोई और? देखिए प्रोग्राम आएगा, ये प्रोग्राम जरूर आएगा, लेकिन ये जो हमने दिया है ना, ये देखिए कौन सा प्रोग्राम है, कैसा प्रोग्राम है। हमारे देश में जब हमारे जो आज तक किसान नौजवान शहीद हुए, हमारे बच्चे हमारे भाई, जब गांव-गांव में उनकी तस्वीर जाएगी, गांव-गांव में उनका श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी उन भाइयों को, तो देखना पूरे देश में एक बार फिर से आंदोलन की ओर बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़कर आएंगे, और उस बड़ी संख्या में जब लोग इधर आएंगे, नहीं लग रहा कि जिस तरह इतने 20 दिन हो गए लोगों ने बैठे हैं, उन्हें इधर किसी तरह की लथार्जी या निराशता या अप्रामता नहीं, नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप
जवाब दे लेंगे मैनू भाई साहब। बात ये है कि देखिए आप सब पत्रकार भाई जानते हो और देख रहे हो, रोज की रोज इसकी कवरिंग कर रहे हो। आप बताएं मुझे, संख्या बढ़ रही है या संख्या कम हो रही है? आए दिन संख्या बढ़ रही है। जब हमारे आंदोलन में लोगों की संख्या बढ़ रही है तो इसमें कहीं से ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों में निराशता है। निराशता नहीं है, लोग डटे हुए हैं। लोग, मैं एक बात और कहूं, 5 दिन के लिए नहीं आए, 10 दिन के लिए नहीं आए लोग। लोगों की ट्रॉलियों में 6-6 माह का राशन आए। हम पहले से तैयार होकर आए हैं कि हमें बैठना पड़ेगा। दिल्ली की तरफ बढ़ेगा कि यहीं रुके रहेंगे? नहीं, देखिए वो समय बताएगा आगे आने वाले समय में। रिटर्न रिप्लाई जेड़ा तुसी देना है उस दे, उसके लिए जत्थेबंदियों ने भी गल हुई है मीटिंग के बीच, ते कदों तक रिटर्न रिप्लाई देना? देखो एक बहुत बड़ी बात नहीं है, रिटर्न अप्लाई देना हम आज ही हमारे जो साथी हैं उनकी ड्यूटी लगा देंगे, वो कल भेज देंगे रिटर्न रिप्लाई में। जैसा नोट होगा या डिटेल होगा? नहीं नहीं नहीं, रिटेल अब डिटेल की समय नहीं है। प्रस्ताव रद्द कर दे, बस 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 इतना ही, सिंगल लाइन रिप्लाई। देखो अभी तक औरतों के लिए आ रही हैं, हमारी औरतें बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन आगे की जो व्यवस्था है ना, औरत के लिए कुछ व्यवस्था अलग से होनी चाहिए। वो व्यवस्था अभी तक हमारे से बन नहीं पा रही। मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, वो व्यवस्था बन जाएगी 1-2-4 दिन में, तो देख लेना यहाँ पे औरतें भी आएंगी। प्रधान जी, ये सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से पंजाब और हरियाणा तो जिन्ना एडा वड्डा जिहड़ा कारवा जिहड़ा काफला जिहड़ा कई कई किलोमीटर तक है, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਓਨਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮਘਟ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਦੇਖੀਏ ਆਪਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਇੱਕ ਬਾਤ ਮੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ, ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ ਆਕਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਪੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ हरियाणा से आकर बैठ गए हैं, यूपी वाले आ गए हैं। और आगे की बात मैं बता देता हूं कि ये यूपी वाले पास बैठे हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या करेंगे। यूपी में अभी जो गाजीपुर बंद है और कल चिल्ला बॉर्डर का, कल हम 11 बजे उसको बिल्कुल क्लोज कर देंगे। जो वहाँ एक वो था पहले भानु भाग गया छोड़ के, उसने हम वहाँ भी लगे हुए हैं हमारे लोग, उसको कल चिल्ला बॉर्डर को बिल्कुल बंद कर देंगे। और उसके बाद में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी लोग राजस्थान का आपने देखा है, लोग अब निकल के आ रहे हैं। ये नहीं है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से लेकर के कुछ लोग महाराष्ट्र से आए, वहां से गुजरात से आए, सरकार उनको बढ़ने नहीं दे रही, वहां रोक लिया, किसी को कौशी बॉर्डर पर रोक रखा है। और मेरे पास एक न्यूज है, जो महाराष्ट्र से लोग आए भरतपुर में उनको रोक रखा, रात को वो गुरुद्वारे में रहे हैं, कम से कम भी वहां 400 आदमी हैं। तो ये सरकार जो तानाशाही कर रही है, हमारे लोगों को आने नहीं दे रही है, आंदोलन हो रहा है किसान का। कोई देखिए एक चीज है, हम एक बात कहना चाहते हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ ये कॉरपोरेट घरानों की है, किसान के बारे में ये कोई नहीं तो बात करती है। और हम एक चीज कहना चाहते हैं कि लिख के देने का फायदा, जब हमने 5 मीटिंग में बोल दिया है, यस नो की भी बात हुई, लेकिन हम आज भी सब उसी बात पर अड़िंग है कि सरकार पहले ये बिल वापिस ले, किसान के बिल हैं, किसान के बगैर पूछे सरकार की क्या हिम्मत थी जो बिल लाने की? लोकसभा में इन्होंने पास कराया नहीं, राज्यसभा में पास कराया नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप 4 दिन के बाद देखना कि दिल्ली को चारों तरफ से पूरे देश का किसान निकल चुका है, और निकल करके 4 दिन के बाद जो भी है वो, चलो हम आपको कल आपको ही अब बोलेंगे, हम सबसे ज्यादा पुलिस वहां लग जाएगी, कल फोर्स लगा देंगे, वहां लोगों को आने नहीं देते। ये सारा तानाशाही का मामला चल रहा है, और इसको हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार कभी भी
किसान के सामने टिक नहीं पाएगी। जिस दिन किसान ने अब मन बना लिया है, ये सरकार तो सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है, और इसको हम बिल्कुल इनके मनसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इन बिल को वापस लिए बगैर कोई भी बात नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग निकल के आ रहे हैं अभी कुछ। लो जी, आप देखो किसी भी एक्शन में वो हो सकता है, योगेंद्र जी के निजी विचार हो। हमारा जो संयुक्त मोर्चे का जो प्रोग्राम है, अगला हाईवे हम 8 नंबर और 2 नंबर दिल्ली आगरा और दिल्ली जयपुर पे काम कर रहे हैं। किसी भी काम में नई स्टेटों को खड़ा करने में, एक वातावरण बनाने में टाइम लगता है। नहीं नहीं, इकट्ठे नहीं हुए, इकट्ठे वो स्टेटें अपनी तैयारी कर रही हैं। राजस्थान के लोगों ने कहा कि 20 तारीख को हम इस रास्ते को जाम कर देंगे, वो तैयारियां सारी। थोड़ी अपनी बताली जथेबंदियां जो हैगे ने, थोड़ी अपनी बताली जथेबंदियां दे आर दे पार्ट ऑफ योर 42 ऑर्गेनाइजेशन, वही हमारी जथेदारी का जो पार्ट है, वही लोग वहाँ तैयारी कर रहे हैं 20 तारीख को आके हमको रोड जाम करना है। बारह को ही आ गए थे वहाँ पे, और 12 के बाद वहाँ कल भी एक रोड जाम किया गया है, और 20 तारीख को हमारा पूरे राजस्थान का हर जिले का किसान ट्रैक्टर लेके निकलेगा। हम रोड जाम करेंगे, उनका हो सकता है जोगिंदर जी, क्योंकि बड़े नेता और दिल्ली से ही गए थे, दिल्ली आना भी है उनको, बेसिक तो उनको भी दिल्ली आना है। रोड जाम हम नहीं करते, रोड तो सरकार जाम कराती है, आने के सभी जथेबंदियां दिल्ली के लिए ही चलती है। हम यहाँ रोड जाम करने नहीं आए थे, हम रामलीला मैदान में जाने के लिए आए थे, सरकार ने हमको रोक के रखा हुआ है यहाँ पे। और वो भी योगेंद्र यादव ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए चले थे, उनको रोक रखा रोड पे जब वो बैठे हुए हैं। तो रोड जाम करने का मतलब आप ये कह रहे हैं ना, कंप्लीट रोड जाम नहीं हुआ, जहाँ वो रोड पे बैठ गए वो रोड तो बंद हो गया ना, मुकम्मल ही बंद होगा, तसल्ली करो, मुकम्मल ही बंद होगा। जो जोर इधर लग गया है, ये हमारी रणनीति है, हमारा एक स्ट्रेटेजी है, हम अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहे हैं। वो भी बंद होगा, दिल्ली आगरा भी बंद होगा, वो जो जिस तरह से होगा वो हमारी जत्थेबंदी अपनी बना रही है। पूरे आंदोलन को जो है हाईजैक कर लिया गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार और क्या कह सकती है, सरकार कभी हमको खालिस्तानी, कभी हमको आतंकवादी, कभी हमको दूसरे तरह का। 70 सरकार ने कुछ लड़के वहाँ भेज के टिकरी बॉर्डर पे अपने लड़के भेज के फोटो खिंचवा कर उस फोटो को छाप के हमने फूट गिरवाने का प्रयास किया। परसों लड़के हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे आए, वही पोस्टर जो लेके वो वहाँ बैठे थे टिकरी बॉर्डर, वही उनके पास थे, वो ना हमारे संगठन के थे, हमारे कार्यकर्ता विजिलेंट थे और उन्होंने दौड़ाया उनको। तो ये तो सरकार कर रही है। आज आज ਡੱਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ प्रधानमंत्री साबित करे, खुलासा कर दे, एजेंसियां काम कर रही है उसकी। और जो हमारे बच्चे गए हुए हैं विदेश में, वो हमारे बच्चे हैं, वो किसानों के बच्चे हैं, अगर वो इस संगठन के लिए कुछ भेज रहे हैं, ये गुजरातियों से फंडिंग लेके आए हैं वहां जाके, इसने किया ये, वो फंडिंग लाए तो जायज है, ये फंडिंग लाए इसमें उसका यूज करे चुनाव में और ये सत्ता हासिल करने के लिए वहाँ पूरे दुनिया में घूमा ये फंडिंग करते ये प्रधानमंत्री। और हमारे बच्चे हैं, वो सब किसानों के बच्चे हैं, वो इस आंदोलन में अपना आहुति दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, तो वो फॉरेन फंडिंग होगी।
फॉरेन फंडिंग हम कौन सा उसे लेके आए नमस्ते ट्रंप से। बड़ा चिंता का विषय एक वीडियो सोशल मीडिया से बड़ी घूम रही है कि आने वाले कुछ दिन सिंघू बार्डर से बड़ी सख्ती दिखाई जाएगी, बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लीडर को हमने अपने मंच को शेयर नहीं करने दिया। ये सबसे बड़ी खूबसूरती इस आंदोलन की है, हम इसको कायम रखेंगे शांतिपूर्वक है। और सरकार उसके बाद भी अगर सरकार बाजे दे, हमें पता है कि सरकार हम यहाँ गोलियां बंदूकें लेके तो आए नहीं है, और सरकार अन्याय और अत्याचार करेगी तो ये देश और दुनिया भी देख रही है। तानाशाह तो गद्दाफी और सद्दाम नहीं रहे, ये कोई ऐसी नई बात थोड़ा ही है। बयान एक जगह आया 17 तारीख को एक बीजेपी वर्कर है कोई, जब बीजेपी को नेता होगा तो खाला होगा क्रिकेट के सारण से आप हाल लगाएंगे। जेनिंग बेसिक ऐसा है कि ये किसान है, जमीन का सीना चीरते हैं, ये 50 डिग्री के टेम्परेचर में भी काम करते हैं और माइनस में भी जाके काम करते हैं, माइनस टेम्परेचर में भी। ये अब मैं कहना नहीं चाहता इस तरह की, इनके जो कार्यकर्ता हैं उनको हम अच्छी तरह जानते हैं, ये पार्क में ही लाठी चलाते हैं, जब मुकाबला होता है तो इनका निशान नहीं मिलता, ये लाठी को पता नहीं कहाँ लखोते हैं। सब बोल जाते हैं हम अच्छी तरह, हम किसान हैं, हमको मारना भी आता है, हमारे ही बच्चे आज बॉर्डर पे खड़े हैं -100 डिग्री में, हम सियाचिन पे हमारे ही भाई और बच्चे खड़े हैं, हमने शहादत देश के लिए भी दी है, हम शहादत देना जानते हैं, जान देना। एक बात ध्यान से सुनने वाली है, इसी मामले में जो वो कह रहे हैं कि हम आकर ये सड़क खाली करवाएंगे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है सड़क खाली करवाए, अगर कोई प्राइवेट आदमी इधर पंगा लेने आता है तो इसका मतलब क्या निकलता है, आप क्या निकालोगे, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है उसको रोकना, अगर वो आएगा फिर भी इधर आता है तो फिर जो इन्होंने भाई साहब ने कहा है तो वो इसका मतलब ये है कि सरकार की एक प्लानिंग है, प्लानिंग के साथ यहाँ पे बहुत बड़ा ये वो करवाना चाहते हैं, दंगा करवाना चाहती है सरकार, और ये इसमें सरकार हमारी ये एक्सपर्ट भी है। नहीं देखिए, हम ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है हमारी कि किसी को हम मारपीट करेंगे, नहीं बचाव में तो कुछ ऐसी कोई बनेगी नहीं। कल जो तोमर जी से मिली है और वो इनको सपोर्ट कर रही है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई नहीं जानता, कोई एक आदमी का नाम बता दो, चार बंदे जानते हो। देखिए मैं बता, ये बात पहले भी हो चुकी है कि कोई ना कोई आदमी ऐसे लोग लाती है सरकार, बीजेपी ऐसे आदमी लाती है, ये एक्सपर्ट है इस मामले में कि कोई 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी 20 आदमी 100 आदमी जो इन्होंने उत्तराखंड से 2 दिन पहले 100 आदमी की बात आई है ना पीसी में, पिछली वाली पीसी में उत्तराखंड के एक नेता ने ये एक्सपोज की है बात कि उनमें से 90 आदमी वो है जिनका एग्रीकल्चर के साथ कोई नाता नहीं है, ऐसे लोगों को ये लाने का प्रयास कर रहे हैं, लाकर यहाँ पर ये इन कानूनों को ठीक ठहराने का यत्न कर रहे हैं। देखिए फुट पाने के लिए सरकार पूरा यत्न कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसान ऊपर वाले की दया से किसान एकजुट है, सिर जुड़े हुए हैं, सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले किसान अब खिनेंगे नहीं, एक होकर चलेंगे। 500 संगठन एक हो चुके हैं, 500 संगठन एक किए थे ना, उसके बाद बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, ये जो युद्धवीर जी बैठे हैं भाई साहब, ये उसके उन 500 में से बाद में आकर मिले हैं, ये इधर ऋषिपाल मालता जी बैठे हैं उन 500 में से बाद में आकर यहाँ ये मतलब साथ मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोग आकर और बड़े बड़े संगठन हमारे इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, ये फूट कहाँ से डाल सकेंगे, फूट कहीं नहीं डाल सकेंगे, जीतेंगे। देखिए ये मामला ये है कि हमारे पास जितने किसान यहाँ बैठे हैं
अगर सभी किसानों को हम ये कहें कि भाई इन शहीदों के लिए एक एक 100 रुपया दे दो, मुझे लग रहा है सभी किसानों को हम 10-10 लाख रुपया देने के सक्षम हो जाएंगे। पंजाब सरकार वालों है जी, क्योंकि बहुत सारे हाँ पंजाब सरकार ने पंजाब सरकार की ओर से अनाउंसमेंट किया गया है कि 5-5 लाख रुपया सभी किसानों को देगी। नहीं नहीं बात यह है, ये बड़ी स्पष्ट बात है, अगर सरकार हमें बातचीत के लिए आमंत्रित करती है और पॉजिटिवली पॉजिटिवली बुलाती है तो जाएंगे।